हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की यूनिट थर्ड है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं सेकंड और फर्स्ट यूनिट बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही आज जो वीडियो होने वाली है वो टोटल 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संग रहेगी। इनमें से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, योजना पहले से सोचना है, उपयुक्त सहायता यानी कि उपयोग कथन की सहायता से इसको विस्तृत कीजिए। यानी कि आपको योजना पहले से सोचना है, इस कथन को आपको समझाना है एग्जामिनर को कि जो योजना पहले से सोचना है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, इसको अच्छे से लिखना है कि ये बात सही है क्या नहीं, ये चीज़ आप पूरी बात है इसको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, योजना को परिभाषित करें, किसी संगठन द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर चर्चा करें। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा, यानी कि आपके बुक में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक कुछ उसमें दे रखा होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन थर्ड कहता है, योजना क्या है, इसकी आवश्यकता और इसके महत्व और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, योजना बनाने के मूल उद्देश्य क्या हैं, योजना बनाना क्यों आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है, रणनीतिक और परिचालन योजना बनाने के बीच में, मतलब कि आपको रणनीतिक और परिचालन योजना के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, रणनीतिक योजना की विशेषता और महत्व क्या है, तो आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, परिचालन योजना की विशेषता और महत्व को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर एट कहता है, योजना के बिना कोई संगठन कुछ भी नहीं कर सकता, इस कथन पर आपको चर्चा करनी है, उसको समझाना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है, निर्णय और निर्णय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर टेन कहता है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से निर्णय लेने की विभिन्न तकनीकों का वर्णन आपको करना है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा 3-4 पेजेस में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आयोजन क्या है, विशेषता है उसके महत्व की पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, आयोजन को परिभाषित करें, आयोजन की आवश्यक तत्व क्या है उसको विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, कॉरपोरेट हाउस में संगठन की भूमिका पे आपको चर्चा करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, उपयोग उदाहरण की सहायता से आपको आयोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, आयोजन के बारे में सोचते समय कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है, उन सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, संगठन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। अब 17 कहता है, आभासी संगठन वर्तमान समय की वास्तविकता है, कैसे, इस पर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, उपयुक्त यानी कि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल की सहायता से आपको विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक संरचना पर चर्चा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसी संगठन की कार्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए विभाग आवश्यक है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, विभाग कर्मचारियों के कार्य को उनकी विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार विभाजित करने में मदद करता है, क्या आप इस कथन से सहमत है, अगर सहमत है तो उस पर आपको टिप्पणी करनी है, अगर नहीं हो तो भी आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, शब्द को परिभाषित करें, यानी कॉन्फ़िगरेशन शब्द को परिभाषित करें, भारतीय व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ़िगरेशन के महत्व पर चर्चा कीजिए। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अब सब्सक्राइब करना अपडेट्स फॉलो करके छोटे छोटे अपडेट्स के लिए।